पॉक्स आया हुआ है। पॉक्स बात हकीकत है कि बहुत तेजी से फैल रहा है अभी, और हमारे पास जो मेडिसिन है वो एक पॉक्स का हमारे पास स्प्रे है, पॉक्स प्लेक्स के नाम से, न्यूकोऑक्स के नाम से मेडिसिन है, वो हम चलवाते हैं। अभी इतनी तेजी से पॉक्स का फैलाव है ना, अभी आपके सामने एक साहब आए और जो निकलता है ना, इसकी रूट्स होती हैं आँख के पीछे, ठीक है, इन रूट्स को खत्म करना है बेसिकली। आप पॉक्स का स्प्रे लाजमी करें दिन में 3 से 4 मरतबा। प्राइस ही ऐसे रखे हुए हमने कि किसी के ऊपर बोझ ना बने, कि हमारे पास चीज जो है वो कंपनी की होती है, कोई लोकल मेडिसिन नहीं होती। इसको करना है, ये पॉक्स के दाने को खुश करेगा, ऊपर से रूट्स को खत्म करेगा। न्यूकोऑक्स तमाम चीजें लूज पैकिंग में अवेलेबल है, ये डिसइंफेक्टेंट है, वायरस रिड्यूअल है। आप इसको स्प्रे करें, पॉक्स में किसी भी कोई भी बीमारी आ जाए तौर पर भी इस्तेमाल होता है, इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ये मियालेक का मल्टीविटामिन है। दवाई का पूछे दवाई वाले से, परिंदे का पूछे परिंदे पालने वाले से, दाने का पूछे दाने वाले से। उनको आप कहें कि वो अपना कार्ड लेकर आए। एक मसला ये है कि लोगों को जो ना अभी तक आज तक सही डोज नहीं लगा और ज्यादातर जो ना इसको मिसगाइड करते हैं। ये तीन आइटम है, ये कैल्शियम, ई सिलीनियम और ये मल्टीविटामिन। कैल्शियम को इन तीनों के साथ मिला के 1 ml 1 liter 1 ml 1 liter 1 ml 1 liter चला। अब इसका साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा क्या है? खालिद भाई, ये हमारे पास फीड है, ये लोकल फीड है कराची की, ये अजवा है, ये जैक है, ठीक है, ये सारी फीड रखी हुई है। ये बहुत ज़बरदस्त है, ये एगन बिस्किट और बहुत जामे चीज़ है। ये सिटाकस है, केटी है हमारे पास, ये मल्टी विटामिन रखे हैं, ठीक है। इस तरफ ऑस्ट्रेलियन का दाना मिल जाएगा, इस तरह कॉफेल में मिल जाएगा मिक्स दाना, जैसे कि हमारे पास ये दाना, इसमें लाल मोती, पीली बारी, पीली मोती, बाजरा है, सारी है। इस सीजन के हिसाब से दाना बना पा, क्योंकि मैं दाना हमेशा सीजन के हिसाब से बनाता हूँ। सर्दी होती है तो सर्दी के हिसाब से, गर्मी होती है तो गर्मी के हिसाब से। अस्सलाम वालेकुम तमाम ग्रुप के मेंबर्स को और जितने भी मेरे इंचार्जेज हैं कोर कमेटी के। आज हम बफर जोन में कराची मेडिसिन वेटनरी पे APBLA के हवाले से यहाँ पे आए हैं, और शहबाज भाई की शॉप पे, बफर जोन में इनकी शॉप है। तो हमने सोचा, मैंने इनसे मुलाकात हुई तो मैंने कहा यार क्यों ना हम लोग APBLA और कराची के जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए जो है ना वो ऑफ़र लेकर के आएँ। और शहबाज भाई से जब मेरी बात हुई, अली भाई से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा बिल्कुल भाई, हम तो कराची के लिए बैठे हैं और जो भी कराची में हमसे जो मेडिसिन लेना चाहता है और हम उसको इंशाल्लाह अच्छी मेडिसिन के हवाले से, प्योर मेडिसिन, ओरिजिनल मेडिसिन पे ना उनको हम आपको डिस्काउंट ऑफर में भी देंगे, जो आप हमारे मेंबर्स हैं। तो आज हम स्पेशली शहबाज भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इनवाइट किया। और शहबाज भाई कराची में माशाल्लाह से, शहबाज भाई आपको कितना टाइम हो गया और यहाँ पे मेडिसिन के हवाले से कितने टाइम से बैठे हुए हैं आप लोग बफर जोन में? मुझे यहाँ पे 12 साल हो गए। वैसे मुझे फील्ड में मेडिसिन में जो है मुझे 24 साल हो गए। 24 साल हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो देखें आज ये 24 साल से जो है ना ये वर्क कर रहे हैं, तो इसमें कोई राय नहीं है कि भाई देखें, एक तो सीनियर भी हैं और दवाइयों के हवाले से भी जो है ना आप लोगों को अच्छी गाइडेंस देंगे, और हमारे मेंबर भी हैं, शहबाज भाई भी और अली भाई भी हमारे मेंबर हैं, इनके छोटे भाई हैं अली भाई। अली भाई आप भी आ जाए ज़रा पीछे, आप साइड में आ जाए तो मेहरबानी होगी, तो लोग आपको भी वो देंगे। ये हमारे अली भाई हैं, तो शहबाज भाई और अली भाई ये बताएं हमारे मेंबर्स को कि जो है ना ये मेडिसिन आपके पास कौन कौन सी हैं और किस हवाले से, और इस टाइम क्या लोगों को जो है ना वो बर्ड्स के हवाले से जो है ना वो जो ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, दिसंबर का टाइम है, तो कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए? और पॉक्स का भी सुनने में आ रहा है कि पॉक्स भी आया हुआ है कराची में, तो उसके हवाले से बताएंगे कौन सी मेडिसिन चल रही है आप लोग। भाई मेडिसिन के हवाले से तो जो हमारे पास मौजूद है वो अली भाई आपको इंट्रोड्यूस कर दे देंगे। आपने जो बात की पॉक्स आया हुआ है, पॉक्स बात हकीकत है कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है अभी, और हमारे पास जो मेडिसिन है वो एक पॉक्स का हमारे पास स्प्रे है, पॉक्स प्लेक्स के नाम से, और एक हमारे पास एंटीबॉडी के, बस आज की आमद ऐसे दिन हुई है कि मेरे पास अभी वो लूज़ में है, पैकिंग में नहीं है, मेरी बड़ी पैकिंग में है। तो न्यूकोऑक्स के नाम से मेडिसिन है, वो हम चलवाते हैं। और बहरहाल मेडिकेशन की बात तो हो जाएगी, लेकिन लोगों को भी जो ना अपने सेटअप का केयर करनी चाहिए, और मार्केट जाना बर्ड्स हॉबी को इतना आसान नहीं है। इन सीज़न में जो ना बर्ड्स पालना, ब्रीडिंग सीज़न के दौरान पॉक्स आ जाती है, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो इस चीज़ से अभी पॉक्स से लड़ रहे हैं। तो
मार्केट जा रहे हैं या किसी शॉप पे जा रहे हैं तो अपने बर्ड्स में ना जाएं, क्योंकि विरगॉन एस का इस्तेमाल रखें अपने शर्ट पे। प्रिकॉशंस को, बायो सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए फिर आप मार्केट जाएं या शॉप पे जाएं। अभी इतनी तेजी से पॉक्स का फैलाव है ना, अभी आपके सामने एक साहब आए और मेडिसिन लेके गए, तो ये इनका सेकेंड टाइम था। अभी इनके पास दो परिंदों में आई थी, अब तीन चार में मजीद आ गई है, तो ये ग्रेजुअली इनके पास बढ़ रही है। तो पॉक्स से एहतियात करें, मेडिकेशन वो करें जो तरीका इलाज है और जो इनके लिए मेडिसिन है, ठीक है। अब पॉक्स को बेसिकली पॉक्स को लोग समझते नहीं हैं। पॉक्स, ये जो पॉक्स का दाना है, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूं, फिर अली भाई आपको इंटरटेन करेंगे। पॉक्स का जो दाना है, ये जो आँख पे जो निकलता है ना, इसकी रूट्स होती हैं आँख के पीछे, ठीक है। इन रूट्स को ख़त्म करना है बेसिकली आपने। अब लोग उस दाने को काट दिया, उस दाने को खुरेद दिया, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक उसकी रूट्स खत्म नहीं करेंगे। वो सूख के खत्म होंगी, वो एंटीबायोटिक से होंगी। पॉक्स फ्लेक्स का स्प्रे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पॉक्स का स्प्रे लाजमी करें दिन में 3 से 4 मरतबा, थोड़ा सा हार्ड वर्क है लेकिन जरूरी है। ये उसको देखें आप लोग, ये पॉक्स का स्प्रे। अली भाई, इसकी क्या प्राइस है और मेंबर्स के लिए हमारे लिए क्या है इसमें ऑफर? तो प्राइस हम आपको बाद में, जो ना फिक्स है आपके, वैसे तो फिक्स है प्राइस, सब प्राइस ही ऐसे रखे हुए हमने के किसी के ऊपर बोझ ना बने। और ये तो आपके जो व्यूवर्स हैं, अगर हमारा कोई उसमें कोई हुए हमारे जानने वाले, वो पहले इस बात को एंडोर्स करेंगे, हम कोई इतना ज्यादा मार्जिन पे नहीं काम करते मार्केट से। और एक बात कि हमारे पास चीज जो है वो कंपनी की होती है, कोई लोकल मेडिसिन नहीं होती। लोकल से मुराद की ये दो चार मेडिसिन बहुत फेम है उनका मार्केट में, वो हमारे पास नहीं होती। हमारे पास सिर्फ कंपनी की दवाइयाँ मिलेंगी। अच्छा, इसके बारे में आप बता रहे थे, ये जो ये 3 से 4 मरतबा आपने स्प्रे करना है इसको, आँख जहाँ पे हो रहा है आँख पे कर सकते हैं, मुंह में कर सकते हैं, आँख में जाए मुंह में जाए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको करना है, ये पॉक्स के दाने को खुश करेगा, ऊपर से रूट्स को खत्म करेगा। न्यूकोऑक्स मैं आपको तस्वीर दिखा दूंगा उसके बाद में, तो न्यूकोऑक्स उसकी रूट्स को खत्म करेगा, तब जाके पॉक्स खत्म होगी। ये रिपीट देन रिपीट जो होती रहती है ना, इसी वजह से पॉक्स का दाना काट दिया, फिल वक्त के लिए वो दब गई, फिर दोबारा से आ गई। तो इस चीज को ना करें। बहुत सारे लोगों ने उसका नेल कटर से काटना शुरू किया था, वो बाद आँख ही उन्होंने उड़ा दिया, ठीक है। तो ये तो जुल्म है यार, किसी इतना शदीद तकलीफ में परिंदा आपका रहता है, ब्लडिंग उसके होती जा रही है, ब्लड लॉस अलग हो रहा है, फिर स्ट्रेस में परिंदा अलग आ रहा है, ब्रीड करे ना करे, ठीक है। तो जो प्रॉपर इलाज है ना, इसको आप उसी पे चलें। कहीं से भी चीज लें, जो भी लें, लेकिन कहें कि यार कंपनी की चीज़ दें हमें। अब ये बहुत सारी, अब काम इतना ज्यादा फैल गया है ना, लोग सुनी सुनाई पे बहुत ज्यादा चलते हैं। हम आपको वो चीज देंगे जो कि कंपनी की चीज है और रजिस्टर्ड चीज है, वो देंगे जो रिकमेंडेड है इस काम के लिए। कंपोजिशन होगी उसके ऊपर, तमाम सर चीजें होंगी। अच्छा शहबाज भाई, देखें जैसे आजकल मेडिसिन हो गई हैं काफी महंगी हो गई हैं, तो लोग जो है ना वो पूरे पूरे जो है ना वो नहीं ले सकते, तो आप लूज पैकिंग में भी लोगों को प्रोवाइड करते हैं? सर, हमारे पास तमाम चीजें लूज पैकिंग में अवेलेबल है, चाहे आप 50 ग्राम से, हम मिनिमम 50 ग्राम देते हैं, मैक्सिमम जितना भी ले लें केजी में, जितना भी चाहे आपको मिल जाएगा। और सेकंड ये कि लीटर में 30 ml से देते हैं, और जितना मैक्सिमम लेना चाहे मिल जाएगा, 30, 50, 100, 200, 300 जितना ml लेना चाहे आपको मिल जाएगा, लेकिन 30 ml से कम नहीं और 50 ग्राम से कम नहीं। ठीक है, ठीक। अच्छा, ये जो मेडिसिन हैं, ये जो सामने रखी हुई हैं, इनके बारे में व्यूअर्स को बताएं, ये किस किस पर्पस के लिए यूज़ की जाती हैं मेडिसिन, और किस हवाले से? आपके पास हर मेडिसिन के लिए, फार्मिंग के लिए हवाले से भी है, और घर में जो लोग बर्ड्स रखते हैं उनके हवाले से, सब ए टू जेड सारी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें हैं। और गाइडेंस भी मिलेगी, इमरान भाई आप जानते ही हैं, गाइडेंस भी मिलेगी, और प्रोडक्ट के बारे में भी ब्रीफ करेंगे। जो आपके सवालात हैं उन सबका जवाब देंगे, जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका सलूशन इंशाल्लाह आपको देंगे। अच्छा, आपने इन प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा, सबसे पहले तो अभी क्योंकि पॉक्स की बात हो रही थी, यहाँ पे एक प्रोडक्ट यहाँ पे रखी है, बहुत नामी ग्रामी है, इसको पहले इस पर बात कर लेते हैं। ये है विरगॉन एस, ये डिसइंफेक्टेंट है, वायरस सिड्रल है। आप इसको स्प्रे करें, पॉक्स में किसी भी कोई भी बीमारी आ जाती है आपके शर्ट में, इसको स्प्रे किया जाता है, 5 ग्राम 1 लीटर या 10 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल के स्प्रे किया जाता है। बीमारी की सूरत में 5 ग्राम डालें आप, सॉरी प्रिकॉशनरी आप कर रहे हैं, एहतियाती तौर पर कर रहे हैं तो 5 ग्राम 1 लीटर पानी डाल के आप करें, ठीक है। लेकिन इसका ये आपके पास होना चाहिए, जिस तरह दवाइयों की मौजूदगी बहुत जरूरी है आजकल एटमॉस्फेयर के लिहाज से, उसी तरह विरगॉन एस भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है।
सेकंड ये स्पार्क है, मैं तो इसको इंस्टेंट एनर्जी के तौर पे अभी लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। इंस्टेंट एनर्जी अब मिले, फौरी तौर पे एनर्जी मिलनी चाहिए बर्ड को। बेसिकली ये इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये इसके काम है। और ये इससे तो सभी जानते हैं। अच्छा, इससे ब्रीडिंग पर्पस का कोई ताल्लुक नहीं, ब्रीडिंग पर्पस का कोई ताल्लुक नहीं, एक्टिव हो जाता है परिंदा, एक्टिव हो जाता है, बीमार परिंदे को स्ट्रेस से निकालने के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। और आजकल चिक्स के अंदर भी इसको सिंगल ड्रॉप दिया जा रहा है, ठीक है, उसमें भी बहुत अच्छा काम है। फौरी तौर पर जो ना इसमें बर्ड एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और ये सॉलिड डी ब्रीडर है, ये विटामिन है, सॉफ्ट फूड पे डालते हैं लोग और पानी में भी देते हैं, मुख्तलिफ तरीका है इसका इस्तेमाल का, बहुत अच्छी चीज़ है और विटा फार्म की प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा नाम है इसका मार्केट में, ठीक है। ये मियाँ लेक का मल्टी विटामिन है, इसका इंट्रो ये अभी निराली ने रख दी है, इसका इंट्रो हम आपको बाद में देंगे, इसकी तीनों चार इसकी डोजेज भी बताएंगे। जो दवाई का पूछे दवाई वाले से, परिंदे का पूछे परिंदे पालने वाले से, दाने का पूछे दाने वाले से, दाने वाले, सही सही। आप उससे दवाई का जाके मशवरा कर रहे हैं जिसका दूर दूर तक दवाई से ताल्लुक नहीं है। अब मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि वो मियाँ लेक का एक ml एक लीटर पानी में, एक ग्राम एक ml एक लीटर पानी में, तीनों चीजें एक एक ml डलवा देते हैं। इतना सा परिंदा है, बॉडी वेट के हिसाब से दवाई दी जाती है, बॉडी वेट के हिसाब से सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, बहुत मोहताज रह के इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी डोजेज वगैरह फिर हम ये तीनों सेट रखे होंगे वो मैं इसमें बताऊंगा, बस मैसेज ये देना था जिसका काम है उससे मशवरा करें, उससे मशवरा करें, उससे मशवरा करें। अच्छा, ये शहबाज भाई एक चीज और आपसे मुझे पूछनी थी कि ये जो प्लकिंग का जो बच्चों के माँ बाप करते हैं उसका कोई इलाज है या कुछ ऐसे मामला है, उसके क्या पर्पज है, वो किस तरीके से रिजोल्व करें, ये बड़ा मेन मकसद है जो लोगों को पता नहीं है अभी तक। सर देखें, इसमें तो दो तीन टोटके भी इस्तेमाल किए जाते हैं, आप एलोवेरा लगा दें उससे वो प्लगिंग बाद औकात कवर हो जाती है, वो प्लगिंग नहीं करते, लेकिन एक होती है कमी और एक होती है आदत। अगर उनको आदत पड़ गई, जब आप पर नोचे ना किसी परिंदे का, पर आप प्लग करें तो उसके बिल्कुल टिप पे जो ना उसको ब्लड होता है, अगर उसकी उनको आदत हो गई ना, वो हैबिट में आ गया उनको, तो वो फिर बच्चों की प्लगिंग करते रहेंगे। फिर आपको उसको जोड़ा तोड़ना पड़ता है, उसको अलग सेपरेट रखना पड़ता है, थोड़ा उसको पनिश भी करना पड़ता है ना, अलग रखें उसको ताकि उसकी वो आदत खत्म हो। आदत खत्म की जाती है टाइम के साथ, और इसका जो अगर ये प्रॉब्लम आए ना आपके बर्ड में, उसके लिए आप इस्तेमाल करें कैल्शियम, सिंगल कैल्शियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, D3 के साथ हो तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लगिंग में D3 होना लाजमी नहीं है, ठीक है, परिंदे के लिए लाजमी है। अगर इंडोर सेटअप है D3 इस्तेमाल करें, आउटडोर सेटअप है तो खाली कैल्शियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इतनी वो नहीं है कि आपने D3 लाजमी लेना है, ये खामखा की बात मार्केट में उड़ाई भी है कि D3 के साथ लेना है। अगर आउटडोर सेटअप है, धूप आती है, तो सिंगल कैल्शियम भी बहुत अच्छा काम करता है, D3 के साथ है तो फिर बस प्लस पॉइंट है आपके पास, ठीक है, ठीक है। अच्छा शहबाज भाई, बहुत शुक्रिया आपका, और इसके हवाले से कोई लोगों को मशवरा देना चाहेंगे मेडिसिन के हवाले से कि इस टाइम कौन सी मेडिसिन आप लोग यूज करें, ब्रीडिंग जैसे चल रही है तो बढ़ रहे हैं, हैचिंग हो रहे हैं, किसी के कुछ मामला ऐसे हो रहे हैं कि डेड इन शेल भी हो रहे हैं, तो उसके हवाले से कुछ मेडिसिन रिकमेंड कर देंगे। सर एक इंट्रो में इसका ग्रो फोर्ट का दे दूंगा आपको, ये आज से 2 साल पहले ये बहुत हर दूसरा बर्ड कीपर जो ना ग्रो फोर्ट मांगता था, ठीक है, अभी भी जो इसको चलाने वाले हैं, जो इसको समझते हैं, वो अभी भी इसको यही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप कोई सा भी ब्रीडिंग फार्मूला रखें, आपके पास ग्रो फोर्ट होना लाजमी है, उसकी वजह ये है आपको ऑर्गेनिक एसिड मिल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, प्रोबायोटिक्स मिल रहे हैं इसके अंदर, और विटामिन मिल रहे हैं, अमाइनो एसिड मिल रहे हैं, और मिनरल्स मिल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स मिनरल्स के तौर पे इसके अंदर है, वो आपके बर्ड को स्ट्रेस से निकालता है, स्ट्रेस फ्री करता है बर्ड को, ठीक है, वो इसके अंदर इस्तेमाल किए हुए हैं। ऑर्गेनिक एसिड का बहुत जबरदस्त काम है, और प्रोबायोटिक के साथ मिलके, विटामिन के साथ मिलके, ये आपके पास होना चाहिए। गाय बगाए आप फॉफ्टन जो है ना ग्रो फोर्ड का इस्तेमाल करवाएं बर्ड को, ग्रो फोर्ड हो गया, एक और विटामिन है सिमिलर, वो मेरे जहन से निकल गया था, ये नाइंसाफी हो जाएगी किसी प्रोडक्ट के साथ, न्यूट्री परफॉर्म ये इंग्लैंड का है और ये आयरलैंड का है, ये दोनों ही बहुत अच्छे बहुत आला पाई के विटामिन है, ये आपके पास होने चाहिए। कमजोर कोई बर्ड हो रहा है, ठीक है, उसको विटामिन देना है, आपने मल्टी विटामिन के बजाय आप इस पे आए, ये जामे चीज है, ये दोनों ग्रो फोर्ड
और ये दोनों जामी चीज है, जामी विटामिन है। हम इसी से परिंदों का ट्रीटमेंट लेके चलते हैं। ठीक है। ये चीजें देखें, ये है सारी चीजें। बाकी जो जो प्रॉब्लम आपके बर्ड्स के साथ आ रही हैं, तो वो आप यहाँ पे आकर के जो है ना वो मालूम कर सकते हैं। देखिए, इन्होंने जैसे बताया कि जो मेडिसिन वाला है वो मेडिसिन से के हवाले से उनसे बात करें, जो दाने वाला है और जो परिंदे वाला है उनसे सबसे अलग अलग उससे बात किया करें। ऐसा ना हो कि आप कोई बर्ड बीमार है तो आप परिंदे वाले के पास चले गए, और या परिंदे वाले आप उसके बाद दाने वाले के पास चले गए। जो जिसका शोभा है ना वो उसी में उसी से बात करें, वो ज्यादा बेहतर है, जो उसको पता होता है सारे। एक छोटी सी बात कि अभी क्योंकि आज संडे का दिन है, जी जी ठीक है, तो आपके जो भी मेंबर्स हैं ना उनको आप कहें कि वो अपना कार्ड लेकर आए। जी जी ठीक है, अपना कार्ड लेकर आए, जिस प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं फुली डिटेल करेंगे उसको। यहाँ पे हम शॉर्ट इंट्रो देते चलते हैं चीजों के बारे में, और अभी जो शेल्फ में हमारे पास उसके बारे में भी इंट्रो देते रहते हैं। दो चार चीजें जो हैं अभी जो ब्रीडिंग सीजन में काफी ज्यादा चल रही हैं उसके बारे में आपको कंप्लीट बताएंगे, बाकी के बारे में शॉर्ट। किसी को कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकता है, बिल्कुल, और कोई सवाल आते हैं तो हमसे बात कर सकता है। ठीक है, अच्छा शहबाज भाई, अपना एड्रेस यहाँ के शॉप का और अपना मोबाइल नंबर बता दीजिएगा, और टाइमिंग बता दीजिएगा कि शॉप आपकी कब खुलती है और कितने बजे बंद होती है, एड्रेस आप बता दीजिएगा प्लीज मेंबर्स को। बहुत आसान एड्रेस है, बफर जोन बर्ड मार्केट में कैफे टूडेज होटल है, यहाँ पे बहुत मशहूर है। ठीक है, कैफे टूडेज होटल से ये मेरी शॉप पांचवी शॉप है, कॉर्नर की शॉप है, पेडिस्टल ब्रिज के साथ है, पेडिस्टल ब्रिज लगा है उसके साथ है। एक कोने पे हमारी कराची वेटरनरी मेडिकल स्टोर है, दूसरे कॉर्नर पे दवा गो बना हुआ है। ठीक है ये बहुत आसान है एड्रेस है कि दवा गो से पहले वाले कोने पे कराची वेटरनरी मेडिकल स्टोर है। शहबाज है मेरा नाम, और भाई होते हैं अली, और हमारे भाई होते हैं शाहरुख भाई, हम तीनों यहाँ पर होते हैं। तो हमारा आप मालूम करें आपको इंशाल्लाह। अच्छा, ये आपके पास दाना वाना भी होता है दाना के हवाले से, जो टोटली दाना भी मौजूद है? दाना भी मौजूद है, दाना शाहरुख भाई की एक्सपर्टीज है, वही आपको बताएंगे। अच्छा, मोबाइल नंबर आप अपना बता दें। 03102475052। और सर टाइमिंग क्या है शॉप? टाइमिंग 11 बजे से रात 9:30 बजे तक। 11 बजे। अच्छा, ये डेली की टाइमिंग है, सिर्फ फ्राइडे को 3 बजे से लेके आफ्टर नमाज 3 बजे से लेके और 9:30 बजे तक। ठीक है सर। अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम, ये शहबाज भाई के छोटे भाई हैं कराची वेटनरी मेडिकल स्टोर के। शहबाज भाई अली भाई बहुत शुक्रिया आपका, और आपने इनवाइट किया। अच्छा, आप कुछ मेडिसिन के बारे में हमारे मेंबर्स को, APDLA के जितने भी मेंबर्स हैं उनके बारे में बताएंगे, म्यालिक के बारे में क्या क्या आजकल बड़ा इन चल रहा है इस टाइम म्यालिक, तो क्या है इस पर डोज के हवाले से, क्या जो लोग मिस यूज कर रहे हैं? सर मैं इमरान भी देखें, मियालिक जो ना जब से आया तकरीबन जब से ही माशाल्लाह से इसकी उरूज ही उरूज था। इसमें एक मसला ये है कि लोगों को जो ना अभी तक आज तक सही डोज नहीं पता, और ज़्यादातर जो ना इसमें मिस गाइड करते हैं कि इसकी डोज के मतलब हर किसी की ना अलग डोज है। कोई कैल्शियम को विटामिन और सेलेनियम तीनों मिला के चला रहा है, कोई तीनों को अलग अलग करके चला रहा है, कुछ डोज अलग लिहाज से दे रहे हैं, कोई 2 ml 1 लीटर में डाल रहा है। हर चीज़ का जो ना हर किसी का अपना डिफरेंट अपना है। तो असल में देखें, मैं जो बेसिकली इसका बताना चाह रहा हूँ उसकी डोजेज बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ज्यादा केसेस ऐसा आता है, आपने एक साल मियालिक चलाया, अब जो ब्रीडर चलवाते हैं ना उसका मैं बता देता हूँ आपको। ये 3 आइटम है, ये कैल्शियम, ई सेलेनियम और ये मल्टीविटामिन। अब लोगों का एक इशू ये है कि कैल्शियम को इन तीनों के साथ मिला के 1 ml 1 लीटर 1 ml 1 लीटर 1 ml 1 लीटर चला रहे हैं। अब इसका साइड इफेक्ट सबसे ज़्यादा क्या है कि कैल्शियम इसका रिएक्ट कर सकता है, ये डोज बिल्कुल गलत है, इस तरह चलाना ही नहीं चाहिए। इसका जो स्पेशलिस्ट को चलाने का एक तरीका है वो आप ये चला लें कि आप मल्टी विटामिन और सेलेनियम किसी भी कंपनी का लें, इसके साथ कोई भी मल्टी विटामिन ऐड कर लें, लेकिन इसका कैल्शियम ऐड नहीं करिएगा। अब तरीका ये होगा, ई सेलेनियम को 1 ml 2 लीटर्स की इसकी डोज है बर्ड्स के लिए, और मल्टीविटामिन की डोज भी 1 ml 2 लीटर्स है, इन दोनों को एक ही साथ मिला के चलाया जाता है। अब आप किसी भी कंपनी का मल्टीविटामिन ले लें, किसी भी कंपनी का ई सेलेनियम ले लें, डोज एक ही रखिएगा। ये मियालिक का खास तौर पर मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, और कैल्शियम की डोज होती है 1 ml 1 लीटर, इसकी डोज का ख्याल रखें, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा केसेस ऐसा आते हैं कि आपने इस साल इसको चलाया 1 ml 1 लीटर, इसको 1 ml 1 लीटर 1 ml 1 लीटर, आप भले से इन दोनों को साथ मिलाएं, इसको अलग चलाएं, लेकिन इसमें एक इशू यह आ सकता है, नेक्स्ट सीजन आपके पास जो ना आपका बर्ड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है,
वजह ये है कि फिर उसको जो ना फिर आपने डोजेज पे दिया तो बहुत ज़्यादा बढ़ा के देनी पड़ेगी, आधी हो चुका होता है बर्थडे उसका, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। डोज को आप एक साइड करके दें, कैल्शियम CA D3 जो है ना मियालिक का, इसको 1 ml मल लीटर दें, ई सिलीनियम को 1 ml 2 लीटर दें, मल्टी विटामिन के साथ मिला के दें। जो बेयर आपके ब्रीड नहीं कर रहे, ब्रीड पे नहीं आ रहे, फर्टिलिटी नहीं दे रहे, उनको मल्टी विटामिन और ई सिलीनियम को साथ मिला के 1 ml 2 लीटर 1 ml 2 लीटर करके दें, कंटिन्यू आप चला सकते हैं। ठीक है ठीक, ये यानी ये अच्छा ये जो चीज़ है ये आपने इसके बाद ये जो है ये एडेक है मियालिक की कंपनी का ही। अच्छा इसको देने का तरीका ये है कि ये एग प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है और फर्टिलिटी रेशो को भी बढ़ाता है। एग प्रोडक्शन और फर्टिलिटी रेशो को बूस्ट करना हो आपने तो आप एडेक दे सकते हैं, किसी भी बर्ड के हवाले से। अब आप चिकन्स में दे दें, हेंस वगैरह में, और मतलब पिजन्स में दे दें, या इनमें लव बर्ड वगैरह में दे दें, तो सबकी डोज जो ना इसकी होगी 1 ml 2 लीटर। इसको हर बर्ड को आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। एग प्रोडक्शन जैसे अक्सर लोगों के पास 3 अंडे आ रहे हैं, 2 में बच्चे आ रहे हैं या 1 में बच्चा आ रहा है, तो एग प्रोडक्शन बहुत कम है। कम से कम भी रेशो होना चाहिए 5 अंडों का, 5 से 6 अंडों का, उसमें से 3 से 4 अंडे फर्टाइल होने चाहिए। अगर इससे कम है तो आप एडेक यूज़ करके देखें, रेशो बढ़ा देता है, एग प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, बर्ड की हेल्थ भी अच्छी होती है, और बहुत सारी फर्टिलिटी रेशो के हवाले से भी बहुत अच्छा काम। अच्छा ये चीज जो है ये ग्रो, अच्छा ये जो ग्रो फोर्ड है ना, ग्रो फोर्ड की डोजेज के हवाले से ये है कि इसको 1 ग्राम 1 लीटर पानी में यूज करें, और इसका जो तरीका है ना, इसको आप ज्यादातर सॉफ्ट फूड पर यूज करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। सॉफ्ट फूड में आप इसको यूज करें, 5 ग्राम पर केजी के हिसाब से ये यूज कर सकते हैं आप। अच्छा नॉर्मली आपको बर्ड्स को देना तो 15 दिन में 1 से 2 दिन दे दें, उनको आप फिर पानी में दे दें, चिक्स वगैरह को दे रहे तो आप 1 ग्राम 1 लीटर पानी में भी दे सकते हैं। ठीक, अच्छा ये लूज पैकिंग में भी है अली भाई? ये सारी प्रोडक्ट हमारे पास जो लीटर आती है लूज में मिल जाती है आसानी से, 30 ml 50 ml 100 ml फिर 130 150, इस तरह करके जितना आप लेना चाहें लेना चाहे तो आपको मिल जाए। अगर जो बॉटल लेना चाहे वो बॉटल ले ले, जो लूज पैकिंग में लेना चाहे वो लूज पैकिंग, लेकिन इसमें ग्रो फोर्ड लूज में नहीं आता, ग्रो फोर्ड पैक ही आता है। अच्छा ये जो साशे होते हैं ये इसमें तो लूज में नहीं होता असल में, देखें ये पहली कंपनी पैकिंग है 150 ग्राम की, अब इसमें और ज्यादा लूज करना नहीं, वो सही है इतना सा। तो बहुत अच्छा आपने मशवरा दिया, जो शायद आज के दौर में लोगों को नहीं पता है जो मियालिक यूज कर रहे हैं, तो अली भाई ने इसके लिए बहुत, आप तवज्जो से इनकी बात सुनिएगा, और अगर नहीं भी समझ में आया तो दोबारा आप इसको रिपीट करके दोबारा भी सुन सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है लोगों को, जो नहीं इस चीज़ को इग्नोर करते हैं तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए हम लोगों को। बर्ड्स अगर आपको पालने हैं, आपको बर्ड्स के अच्छी हेल्थ रखनी है, बर्ड्स के मामला को अच्छे रखना है, तो आप चीज़ को गौर से सुना करें और गौर से तवज्जो से देखा करें। यह आप लोगों के फ़ायदे के लिए बात करते हैं। देखें इनका अपना तो कुछ नहीं है ना, जाहिर सी बात है, इन तो क्या है, अभी ये चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मामला चल रहे हैं बर्ड्स के हवाले से, तो ये आप लोगों को सिर्फ मशवरे दे सकते हैं। हम लोग घर जा कर के क्या करते हैं, दवाइयों का मिसयूज़ करते हैं, परिंदे में कोई बीमारी आ जाती है, तो आप इस चीज़ को ना थोड़ा सा कैरी किया करें आप लोग ना, कि यार जो चीज़ें आ रही हैं उसको समझ लें अच्छी तरीके से। ठीक है अली भाई, बहुत शुक्रिया। और भी बहुत सारी आपके पास ये मेडिसिन हैं तो उसके बारे में ज़रा हमारे मेम्बर्स को बताइएगा, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जिस जिस पर्पज़ के लिए आपकी शॉप में बहुत सारी रखी हुई हैं, उसके बारे में भी इसे हमारे थोड़ा सा इंट्रो दे दें लोगों को, क्या है क्या। ये खालिद भाई, ये हमारे पास फीड है, ये लोकल फीड है कराची की, ये अजवा है, ये जैक है, और ये मिस्टर बिक है, और ये अजवा ही का एक और ब्रांड है गोल्डन बर्ड के नाम से। ठीक है, ये सारी फीड रखी हुई है, ये बहुत ज़बरदस्त है खालिद भाई, ये एग एंड बिस्किट, और बहुत जामे चीज़ है और बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आ रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है इस वक्त मार्केट में। ठीक है, आपको सिटाकस मिल जाएगी, केटी मिल जाएगी इस वक्त। ठीक है, आपको समझ लीजिए आपका पाउडर मिल जाएगा, सिटाकस है, केटी है हमारे पास, ये मल्टी विटामिन रखे हैं। ठीक है, इस तरफ आ जाएं तो टाइलोफर्सिन है, ये एंटीबायोटिक है, ये भी एंटीबायोटिक है, ये सेम है 20% एंड्रोफ्लॉक्सेसिन, ये 20%, ये TC डॉक्स है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। 5 दवाइयाँ इसके अंदर है, टाइलोसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, कोलेस्टिन, ब्रोमैक्सिन, ये साइमेंस की दवाइयाँ हैं हमारे पास, एंड्रोकोली है और एंड्रोफ्लॉक्सेसिन है, और ये विटामैक्स है, ये वियतनाम का विटामिन है, और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आ रहा है, और बहुत इस वक्त मार्केट में ये इन है, ब्रीडर्स बहुत पसंद कर रहे हैं। ये मल्टी विटामिन है सेहत के लिए, ब्रीडिंग को कंटिन्यू रखने के लिए, ताकत के लिए, परिंदे को हेल्थ अच्छी रखने के लिए। ये साइमन स्ट्रेस है, ठीक है, ये साइमन का मल्टी विटामिन है, ये ग्रो फोर्ड रखा है, ये इसी कंपनी का कैल्शियम है, जी कैल्शियम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट है,
बहुत चलता है मार्केट में। 100 ml में भी है हमारे पास, 5 लीटर में सॉरी लीटर में भी है। ये केवी पोजाइम है, ठीक है। ये रेड आई के चिक्स जो सर्वाइव नहीं करते खास तौर पे, उसके लिए आजकल अल्बाइनो हो गया और बहुत सारे जो म्यूटेशन हैं उनके बच्चे सर्वाइव नहीं करते, उनके लिए चलता है। इसकी मैं आपको करीब से एक ये केबी प्रोजाइन, और इसी तरह का एक और चीज है हमारे पास है हाइलेक्टाइन, ठीक है। खालिद भाई ये मैं आपको बता दूं, ये दोनों चीजें मैंने ही इंट्रोड्यूस कराई है मार्केट में, इससे पहले इसका इलाज मौजूद नहीं था, ठीक है। ये दोनों चीजें हमने इंट्रोड्यूस कराई है मार्केट में बकायदा रिसर्च के स्टडी के बाद, और चलाने का तरीकेकार भी जो हमारा तरीकेकार है उसी पे चलाएं और इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट पाएंगे आप, ठीक है। ये दोनों चीजें, और ये ई सिलीनियम है पाउडर फॉर्म में, जॉर्डन का बहुत अच्छी चीज है। ये केवी प्रोजाइम है, ये 500 ग्राम में, किसी के बड़ा सेटअप होता है तो 500 ग्राम में चाहिए। ये इंग्लैंड का विटामिन है, ग्रोफोर्ड जैसी कंपोजिशन है इसकी, बहुत अच्छी चीज है। परमासोल किसी दारू का मोहताज नहीं है, बहुत चलता है। ट्राइफिल हमारे पास मौजूद है, ये एक है तो बहुत पुराने लेकिन अभी हमने इसको इंट्रोड्यूस कराया है, काफी अच्छे से हम तो चला रहे हैं लेकिन अब इसको हम जरा फ्रंट पे लेकर आ रहे हैं। एग बूस्ट के नाम से ये मल्टी विटामिन है, बहुत अच्छी चीज है, कैल्शियम के साथ मल्टी विटामिन है, अच्छी कंपोजिशन है। इसी का ई सिलीनियम है, ठीक है। इसका भी बहुत शानदार रिजल्ट है, मैं आपको एक अभी दिखा देता हूँ, लूज पैकिंग में भी हमने रखा हुआ है इसको, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और इसकी तो अभी खैर जरूरत नहीं है, ये यहाँ आ जाए तो ये राज फार्मा है, एक उसका एडेक है, फर्टिलिटी में एग प्रोडक्शन में बहुत अच्छा रिजल्ट है, बाद दवाइयों के साथ भी इसको चलाना पड़ता है हमें। ये राज फार्मा की एंड्रोफ्लॉक्सिसिन है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, हम चलाते हैं इसको और इसकी भी बहुत कस्टमर हमारे हैं। ये एफ3 है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है रानीखेत की बीमारी के लिए, बजरीज में, कबूतर में, मुर्गियों में, मोर में, शीतल मुर्ग में ये प्रॉब्लम भी है खासतौर पर आता है। ये भी रानीखेत के लिए न्यूकासोड बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, ये तो इसका इंट्रो हमने आपको दे दिया है, ठीक है। यहाँ आ जाए तो ये पॉक्स फ्लेक्स के नाम से, ये पॉक्स की दवाई है, पॉक्स के लिए है और ये क्रॉप के लिए है, क्रॉप का फंगस हो जाता है बर्ड में ना, खासकर कबूतर मुर्गियों में, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। फैंसी बर्ड में भी चलता है ये सारी होम्योपैथिक की दवाइयाँ यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। यहाँ आ जाए तो आप इस तरफ आ जाए तो ये पूरी हमारी ये हमारे पास ड्यूटी गोल्ड है तुर्की का, बहुत पुरानी प्रोडक्ट है, अच्छा रिजल्ट है, बहुत सारे लोग इससे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये जी कैल्सी है, वो आपने 100 ml वाला इसका देखा था, ये जी कैल्सी इसका 1 लीटर वाली पैकिंग है। ये मियाँ लेक रखे हैं आपके सामने, ठीक है। ये जो आपको बीटा मैक्स मैंने दिखाया था उसकी 1 kg की पैकिंग ये है, तो बाकी ये आपको। अच्छा, जैसे हमारे एक भाई हैं यहाँ पे कराची वेटनरी मेडिकल स्टोर पे, यहाँ पे बर्ड्स के जो है ना वो सारे जितने भी फूड्स हैं, दाना है और जितने भी मामलात हैं वो हमारे भाई जो है ना वो इसमें डील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से? अच्छा भाई, बताएंगे हमारे मेंबर्स को कौन कौन से जो है ना आपके पास हर किस्म के दाने रखे हुए हैं यहाँ पे? माशाल्लाह आपको ऑस्ट्रेलियन का दाना मिल जाएगा, फिशर कॉकटेल में मिल जाएगा मिक्स दाना, जैसे कि हमारे पास ये दाना है। तो लोग बोलते हैं कि यार इसमें आइटम वगैरह क्या क्या डले हुए, तो मैं सारी चीज़ें उनको समझाऊंगा। इसमें अलसी डली हुई है, इसमें कनेरी डली हुई है, इसमें बंग डला हुआ है, इसमें कुटुम डला हुआ है, इसमें लाल मोटी, पीली बारीक, पीली मोटी, बाजरा है, सारी है। इस सीज़न के हिसाब से दाना बना हुआ, क्योंकि मैं दाना हमेशा सीज़न के हिसाब से बनाता हूँ। सर्दी होती है तो सर्दी के हिसाब से, गर्मी होती है तो गर्मी के हिसाब से। अब जैसे कि लोगों का सेटअप किसी का बड़ा है तो फिर उनको उनके हिसाब से दाना बना के देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये आप खुद बना रहे हैं यहाँ पे? ये मैं खुद बना रहा हूँ, ये मैं खुद बनाता हूँ, खुद मिक्स करता हूँ। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे टप रखा हुआ है, यहाँ पे अब ये कबूतर दाना है हमारा, ये मेरे हाथ का बना हुआ है। ये सारी चीजें इसमें भी, लाल चावल, गंदुम, जवार, कटर मकई, बाजरा, सनफ्लावर, कुर्तम, ये सारी चीजें इसमें है। अब जैसे लोगों के सेटअप बड़े होते हैं वो बोलते हैं भाई हमें अलग से बना के दो, थोड़ा सा VIP वगैरह, तो उनके हिसाब से उनको दाना भी बना के देता हूँ। वो कुछ लोग होते हैं भाई हमें तो पता ही नहीं है दाने के बारे में, तो उनको उनके हिसाब से बनाता हूँ, बर्ड के हिसाब से बना लो, आपके पास क्या बर्ड है, कैसा बर्ड है, उसके हिसाब से दाना बना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग आते हैं, ये मैंने ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे दानों में ना मिट्टी विट्टी भी बहुत होती है, मुझे आप इसमें नहीं नजर आ रही? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। हाँ, मिट्टी का कोई वो नहीं है, साफ सुथरा दाना। हमारे हाथ तो इसलिए काले हो रहे क्योंकि मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, तो दाना बना बना के जो है ना मुंह भी काले और हाथ भी काले।
अच्छा, ये आप जितने भी हैं ये सारे अपने रिटेल रेट पे होते हैं या होलसेल रेट पे होते हैं? असल में देखें, अगर अब एक है, एक बंदा आ रहा है कि एक किलो दाना ले रहा है, तो उसको तो फिर रिटेल हिसाब रिटेल प्राइस ही लगते हैं। लेकिन अब एक बंदा आ रहा है कि उसको 100 किलो दाना चाहिए, 50 किलो दाना चाहिए, तो फिर उसके हिसाब से फिर रेट होगा। अभी अभी आपके सामने ये बंदा गाड़ी में दाना लेकर गया, तो उसको वही होलसेल के रेट लगाते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। आप लोग जो है ना, ये बफर जोन में दुकान है इनकी, शॉप। अच्छा, ये आप डिलीवरी भी कर सकते हैं या सिर्फ यहाँ शॉप पे आके ले? शॉप पे असल में अभी डिलीवरी का है इरादा, इंशाल्लाह शॉप बड़ी हो जाएगी, थोड़ी सेटिंग भी थोड़ी चेंज हो जाएगी, तो इंशाल्लाह डिलीवरी का भी है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। अच्छा, जैसे अभी कोई ऑर्डर करना चाहे, जैसे ज्यादा, जैसे कोई 50 किलो या 100 किलो, तो आप उसको डिलीवर कर सकते हैं, यानी कार्गो कर सकते हैं रिक्शे विक्शे में या कुछ उसमें, कि वो बंदा आ जाए ले जाए, या आप कर दे उसको ऑर्डर दे? असल में ऑर्डर देखें, आप मुझे फोन पे कर सकते हैं, मैं यहाँ रेडी रखता हूँ। होता है ऐसा ही है कि जब दूर से लोग आ रहे होते हैं ना मेरे पास, तो वो मुझे कॉल कर देते कि भाई दाना बना के रख दो हमारे, तो इस तरीके से वो उनका दाना भी तैयार मिलता है उनको और उनका टाइम भी नहीं लगता। और दूसरी बात, अभी जो डिलीवरी का सिस्टम है ना, वो अभी नहीं है। हाँ, दवाइयों वगैरह में तो बाइकिया से, वो असल में बाइकिया वाले जो है ना 20 किलो 30 किलो देख के जो है ना वो लेकर ही नहीं जाते, ये यार इतना भारी सामान है, वो इसलिए लेके नहीं जाते। तो हमें भी ये होता है कि नहीं यार, ये दाना है ना, ये तो कोई भी खरीद लेगा, दूसरी दुकान पे जाके दे दिया, वो फिर बंदे तक नहीं पहुँचा, वो फिर हमें शिकायत होती है। अब ये है ना कि करीब का होता है तो फिर ये कि हम पहुँचा देते हैं। बस ये कोशिश करिए कि जो हमारे APPLA का जो मेंबर आएगा ना, उसके लिए कुछ ऐसी गुंजाइश नहीं है कि उसके लिए आसानी हो जाए। जी, आपके जो मेंबर आएगा वो कार्ड दिखाएगा। हाँ बिल्कुल, तो फिर उसको उस हिसाब से इंशाल्लाह। अपना नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, फोन नंबर जरा बता दीजिएगा। क्या नंबर है आपका? शाहरुख नाम है मेरा, और गाँव का नंबर है 03107466615। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, जैसे कि आज आप हमारा विजिट था APPLA का, और जो मेडिसिन के हवाले से लोगों के मामला चल रहे थे कि कोई जो है ना मेडिसिन के हवाले से डिस्काउंट मिल जाए हमें, तो जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए हमने बफर जोन में जो है ना वो एक कराची मेडिकल वेटनरी के स्टोर है, यहाँ से आप मुनासिब कीमत में अपने बर्ड्स के लिए मेडिसिन ले सकते हैं। आपको भरपूर गाइडनेस देंगे, जो बीमारी होगी बर्ड्स के हवाले से, जो प्रॉब्लम्स आपके पास होंगी, तो वो आप इनसे आके शेयर कर सकते हैं, ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ग्रुप में भी ये बैठे हुए हैं, ठीक है ना। और इनका नंबर आपको दे दिया गया है, तो आप लोग इनसे रुजू भी कर सकते हैं और मुनासिब कीमत में मेडिसिन भी हासिल करते हैं। ओनली APPLA मेम्बर्स, उनको डिस्काउंट है इधर यहाँ पर, तो कोशिश करिएगा कि रब्ता करें इन लोगों से और इस चीज़ से फ़ायदा उठाएँ, चंद पैसे आप लोगों के बचेंगे। मेडिसिन बहुत महंगी हो गई हैं, मामला इतने ख़राब हो गए, लोग थोड़ा सा इससे खिंच गए, इसी वजह से जो है ना APPLA ने ये आप लोगों के लिए फ़ायदे के लिए एक मेडिसिन के हवाले से ना एक आपको डिस्काउंट ऑफर के हवाले से मेडिकल शॉप की है। शुक्रिया।